भी नाम वाले लोगों का 2018 का संपूर्ण भविष्यफल, यानी जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर भी है या भी अक्षर से शुरू होता है, उस व्यक्ति का 2018 जो साल आने वाला साल है वो कैसा रहने वाला है, आज मैं इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। यदि आपके नाम का पहला अक्षर भी है या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति जिसके नाम का पहला अक्षर भी है, आप जानना चाहते हो उसके बारे में कि उसका 2018 साल कैसा रहने वाला है, तो आप इस वीडियो को देखते रहें, क्योंकि मैंने पूरे डिटेल में इस वीडियो में बताया है आपके भविष्य के बारे में, 2018 के बारे में, और एक एक लाइन लिख करके दिया हूँ ताकि यदि आप खुद से भी उसे पढ़ना चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करता हूँ। इससे पहले मैं बता दूँ कि मैं हूँ राजा मिश्रा और आप देख रहे हो मिश्रा फॉर यू चैनल, जो कि हिंदू धर्म को समर्पित है। इस चैनल में आपको हिंदू धर्म से संबंधित सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ इस अद्भुत वीडियो में मैंने क्या बनाया है। दोस्तों, वैदिक राशिफल 2018 के अनुसार इस साल कुछ बाधाएं आपके रास्ते में आएंगी, लेकिन आप अपने सकारात्मक रवैये और कड़ी मेहनत की बदौलत इनमें आसानी से उभर जाएंगे। पार्टनर और दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर के गलतफहमी हो सकती है। इस अवधि में आपका रवैया थोड़ा अड़ियल और क्रोध भरा हो सकता है, लिहाजा आपको इस पर काबू रखने की जरूरत है। आपके लिए गुस्से पर कंट्रोल रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बेकार की बहस और क्रोध के कारण आप मुसीबत में पड़ सकते हैं और आर्थिक रूप से नुकसान भी हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वृषभ राशि के जातक मजबूत और विषम परिस्थितियों में भी डटे रहने वाले होते हैं, यानी आपका जो राशि है वो वृष राशि है, यानी वृषभ राशि है सर। इस राशि इस साल आप कुछ इस तरह रहने वाले हैं, यदि आपको कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो आपको हताश और परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको दोगुने उत्साह और खुद पर अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। सितारों का कहना है कि कई बार मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलने के कारण आप हतोत्साहित हो सकते हैं। हालांकि आपको अपने मार्ग से हटने का प्रयास नहीं करना चाहिए, कुछ समय बाद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा और आपकी ख्वाहिशें भी पूरी होगी। कार्यस्थल पर अच्छे परिणाम नहीं मिलने के कारण आप तनावग्रस्त हो सकते हैं। साल के शुरुआती 2 महीने यानी जनवरी और फरवरी में आपकी वाद विवाद और गलत कार्यों से आपको दूर रहना चाहिए, वरना सीनियर्स और बॉस की नज़र में आपकी छवि खराब हो सकती है। यदि आप किसी प्रकार का कारोबार कर रहे हो तो आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा ना करें, खासकर रुपये पैसों के मामलों में। इस अवधि में आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि वृष राशि के लोग अर्थात वृषभ राशि के लोग आर्थिक मामलों में ज्यादा सोच विचार नहीं करते। साल 2018 में भविष्यवाणी के मुताबिक आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और आय के नए रास्ते बनेंगे, लेकिन आर्थिक मामलों में बेहतर प्लानिंग की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर यह भी संकेत मिल रहा है कि अक्टूबर माह के बाद यानी अक्टूबर माह के बाद आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। वित्त संबंधी मामलों में आप एक नई रणनीति बनाएंगे। इस दौरान आपको एक दैवीय शक्ति प्राप्त भी होगी। इस दौरान आपको एक दैवीय शक्ति भी प्राप्त होगी दोस्तों। जहाँ तक परिवार का सवाल है, परिवार में खुशियों और परिजन एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहेंगे। वृषभ राशि के पुरुष और महिला जातक अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता पाएंगे। साथ ही पार्टनर के साथ कहीं रोमांटिक जगह पर घूमने जाने की भी योजना बन सकती है और आप दोनों के रिश्ते के लिए ये एक अच्छा पल भी होगा। वहीं आप अपने पार्टनर के लिए कोई महंगा गिफ्ट भी खरीद सकते हो। कुल मिलाकर के यह साल आपके लिए ठीक ठाक गुजरने वाला है। जो लोग बच्चों की राहत चाहते हैं उनकी इच्छा भगवान इस बार जो लोग इस बार बच्चे की कामना करते हैं यानी बच्चे चाहते हैं, जो जिनके बच्चे नहीं हैं उनके लिए इस बार ये साल 2018 जो है बहुत ही अद्भुत समय है। भगवान उनकी इच्छा को जरूर पूर्ण करेंगे। आप धार्मिक स्थलों की यात्रा पर भी जा सकते हैं। घर पर किसी शुभ कार्य का आयोजन भी होगा और उसमें आपकी सहभागिता भी होगी। बच्चों की शिक्षा
अच्छी रहेगी और परीक्षा में उनका प्रदर्शन भी काबिले तारीफ होगा। साल के अंत तक आप सकारात्मक ऊर्जा से उभर जाएंगे और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे और यही आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज भी होगा। इस साल आपको कम बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। अगर आप इस साल भीड़ में रहते हुए भी कुछ अलग करना चाहते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने की क्षमता भी है, बस जरूरत है तो उसे पहचानने की। कुल मिलाकर यह साल आपके लिए नए सूर्योदय यानी नया पल लेकर के आ रहा है, नया चांस लेकर के आ रहा है। 2018 में आपके यदि कैरियर की बात करूं तो जनवरी से मार्च की अवधि आपके लिए अच्छे पद प्राप्त करने की का समय है। पदोन्नति भी हो सकती है आपको, आपके सैलरी में भी वृद्धि हो सकती है, यानी आपका प्रमोशन और आपकी सैलरी दोनों बढ़ सकती है। आप अपने कौशल और रचनात्मकता से अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ सकते हैं, विवादों में से आपका नाम जुड़ सकता है और आप ऑफिस में होने वाले पॉलिटिक्स के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए आपको कार्यस्थल पर इस दौरान बेहद सावधान रहने की जरूरत है और सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। आपके ग्रहों का कहना है कि आप विवादों से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। आपको सितंबर महीने में भी अपने काम पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि इस अवधि में सीनियर्स की नज़र आपके ऊपर रहेगी, जो कि यदि आप अपने काम में संलग्न नहीं रहेंगे तो आपके लिए ये बेहतर पल साबित नहीं होगा। अगर आप नई नौकरी की कोशिश कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। वहीं यदि आप बिजनेस करते हैं तो लेन देन के मामलों में सतर्कता बरतने की जरूरत है। इस दौरान आपको मनमाफिक परिणाम नहीं मिलेंगे, यानी आपको मनचाहा परिणाम नहीं मिलेगा। हालांकि आपको धीरे धीरे मुनाफा होगा। यदि आप कोई नया कारोबार करने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ समय इंतजार करना होगा क्योंकि समय इसकी गवाही नहीं दे रहा है। जुआ और लॉटरी से दूर रहें क्योंकि आर्थिक नुकसान होने की ज़्यादा संभावना है। अगर आप कला, प्रिंटिंग और मीडिया और पर्यटन से जुड़े हैं तो ये आपके लिए सुखद परिणाम साबित होंगे। 2018 में आपकी आर्थिक स्थिति की बात करूं तो जनवरी महीने में आर्थिक नुकसान होने की संभावना है, इसलिए पहले से ही मैं बता दूं कि आप सतर्क रहें। हालांकि वास्तु उपाय से आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरी ओर ग्रहों की चाल बताती है कि इस साल आपको पैतृक संपत्ति भी मिलने वाली है। हालांकि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति अक्टूबर 2018 के बाद सुधरेगी। इस अवधि में आप अपने जीवन साथी को कोई महंगा गिफ्ट देंगे और उनके साथ किसी रोमांटिक जगह पर घूमने भी जा सकते हैं। इसके अलावा घर पर शुभ कार्यों का आयोजन भी होगा और आप उनसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेंगे। यदि आप अच्छे से सोच विचार करने के बाद निवेश करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अप्रत्याशित मुनाफा होगा, साथ ही आप पैसे बचाने में सफल भी होंगे। ज्योतिष के मुताबिक यदि बात करूं तो आपको अपने पिता का सहयोग लेना चाहिए, जो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। 2018 में आपकी शिक्षा की यदि बात करूं तो शुक्र आपका स्वामी है, इसलिए आप रचनात्मकता, जोश और उत्साह से लबरेज रहेंगे। अपने दृढ़ संकल्प और काम के प्रति समर्पण के लिए आप सम्मानित भी होंगे। आपके लिए यह भी जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और उसे प्राप्त करने के लिए पढ़ाई में जी जान से जुट जाएं। अगर आप उच्च शिक्षा के में विचार कर रहे हैं तो इस अवधि में आपको सफलता मिलेगी। और यदि आप आईटी और कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हो तो यह आपके लिए अच्छा समय रहेगा। और यदि आप साल 2018 में आप परीक्षा में अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप प्रतियोगी यानी कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो आपको इस साल नौकरी लगने की पूरी पूरी संभावना है। और यदि आप कुछ ट्रेंड से हट करके कोर्स कर रहे हैं तो आपको अपने प्रतिभा को दिखाने का पूरा अवसर प्राप्त होगा और आपके लिए यह बेहतर पल भी साबित होगा। और यदि आप कला, मनोविज्ञान और मीडिया से जुड़े हुए छात्र हैं तो ये पल भी आपके लिए भी अच्छा रहेगा। 2018 में यदि आपके पारिवारिक स्थिति की बात करूं तो जनवरी के महीने में जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, अतः आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। जनवरी से लेकर मार्च तक की अवधि आपके लिए मुश्किल भरी होगी। आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपको कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जल्दी सब ठीक हो जाएगा और घर में शांति का माहौल होगा। 2018 में आपका प्रेम और विवाह। भविष्य कथन 2018 के अनुसार प्रेमी जोड़ों के लिए यह साल काफी अच्छा होने वाला है, यानी किसी तोहफे से कम नहीं होने वाला। इस साल आप एक दूसरे के साथ काफी वक्त गुजारेंगे। इसके अलावा आप अपने प्रियतम से सोशल मीडिया जैसे विभिन्नतम माध्यमों से लगातार जुड़े रह सकते हैं। साथी के साथ रोज रोज की मुलाकातों से आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। हालांकि नवंबर दिसंबर तक के
अवधि आपके लिए अच्छा नहीं है, यानी इस बीच आपके आप दोनों के बीच में मतभेद होने की संभावना है। वहीं आपको अपने साथी पर बेकार का शक संदेह से बचना होगा, नहीं तो आपके लिए ये पल सही नहीं रहेगा। आप दोनों का वक्त यानी आप दोनों का बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है, आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। 2018 में यदि आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो इस साल आपकी सेहत कुछ ठीक नहीं रहने वाली है। सेहत में आपकी उतार चढ़ाव आती रहेगी, इसलिए सेहत के मामले में किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरतें। इस साल आपको सिर दर्द, ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधी विकार परेशान कर सकते हैं, इसलिए नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह लें। मई के महीनों में आपको ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। ध्यान दें एक बार आप फिर से, मई मई के महीने में आपको ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। इस अवधि में आपको मानसिक पीड़ा हो सकती है, आपकी शांति भंग हो सकती है, लेकिन योग और ध्यान के माध्यम से आप इससे उभर सकते हैं। काम के साथ साथ खान पान पर भी पूरा ध्यान दें और उचित समय पर आराम भी करें। आपके लिए कुछ यदि टिप्स दूं तो मंगलवार को आप लाल मसूर का दाल दान करें। यदि आप ये नहीं कर सकते, धतूरे की जड़ या फूल गले में धारण करें। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाएं और जरूरतमंदों की मदद करें। इन सभी में से आप यदि एक भी उपाय करते हैं तो साल 2018 आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा और आप इस साल जिंदगी के नई ऊंचाइयों को छुएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप हिंदू धर्म से संबंधित दुनिया का कोई प्रश्न पूछना चाहते हो और यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे चैनल पे यानी इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके जीवन में सभी समस्याओं का समाधान लेकर के आऊँगा। और यदि आपके मन में हिंदू धर्म से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको उस प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और भी नाम वाले लोगों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ ताकि उन्हें अपने साल 2018 के बारे में पता चल सके। थैंक यू सो मच।